खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद के इलाका खड़ियावाला से, जहां पर मसीही बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजमान ने मसीही बेटी के वालिद मुनीर मसीह को अपने डेरे पर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला और कहा कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपना केस वापस ले लो वरना इसके नतीज बहुत बुरे होंगे। मजीद उन्होंने नेशनल न्यूज के डायरेक्टर डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर को अपनी वीडियो बनाकर भेजी, जिसमें उन्होंने इंसाफ की अपील की है कि हमें इनसे बचाया जाए और तहफ़ुज़ फराहम किया चाहे। याद रहे कि इस केस को क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट की टीम कानूनी अमदाद फ्राहम कर रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं इस वीडियो में। सलाम जी सर जी। सर जी मैं मनीर बोल रहा। सर जी आप मेरे नाल गवाह वा, ये मकान जी मैं बैठा भाई असगर दे। इतने मेरे को बंदे आए आ तो मैनू कहते राजीनामा कर भाई। मैं क्या राजीनामा इतने नहीं बनता तो ना मैं करना ही। उन्हें कहा तू कर ला चंगा रहेगा यार, तू ना सू तंग कर तो तंग होता रहूँ। मैं क्या सर मैं नहीं करना। मैं वो प्रैशर वो मेरे पाँव लगे तो मैं डोर ही उठ गया ना भाई असगर को चल गया भी भाई उत्थे आ जाओ। उत्थे मेरे हथी पै गए वो भी क्यों नहीं सलाह करनी असं थाना मथा लगा तेन वेख लाँगे निबड़ लाँगे तेरे नाल। आ भाई असगर ने मैनू बड़ा उन्होंने तो मुश्किल बचाया। एक मुंडा होर ही जाके सौ गया उन्हें मैनू बचाया तो वो सर जाते इतने कह गया भी तेना निबड़ना ही असी तो अपना चारा रानी जरा लगता तेरे को तो थाने भी पैसे पूसे दे पुलिस वालों भी तुम बयान बदलो पुची तक ना कटो आ करो वो करो। तो वो सर मैं तो माड़ा बंदा वा, मेरी इज्जत भी जी महफूज नहीं इस टाइम। मैं मजबूर हाँ, मेरी हेल्प करो मेहरबानी ढाडी। मैं बहुत आ वेखो मैं ताे अगे हाथ जोड़ना जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसी बात है जो मनीर साहब ने बोला है, ऐसे बंदे इसके घर पर आए हैं, वो इसने बोला कि उधर डेरे पर आ जाए मेरी बेकरी कारखाना। मैंने बोला उधर आ जाए, उधर आए बादशाह की बादशाह करते वो एक मेरा गवाह मैं हूँ और एक खालद मुंडा वो गवाह है। वो बात करते करते थोड़ी सी गर्मी हो गई, वो जो मनीर अपने क्या नाम उसका बंदे का नसीर अहमद, वो नसीर साहब गर्म हो पे ऐसे एक अली मुंडा केवल वाला, वो दोनों गर्म हो पे बातें। मैं उसको बोला दोनों की माफ़ी मूफ़ी मांगता रहा मैं यार छोड़े इस बात को, लेकिन वो दोनों इसको मनीर साहब को कह गए हैं भी आपका मत्था हमारे साथ है उसके साथ नहीं है, हम दोनों उसका साथ देंगे जो मुजरिम पार्टी ने उसका साथ दें। सर जी बजाय उसने इसकी मतलब आए थे वो सुलह के राजीनामे के लिए, लेकिन उसने राजीनामे के बजाय उल्ट सिला देने इसके गले पड़ने लगे, ठीक है इसको धमकी देने शुरू कर दी भी मैं ऐसे करूं अभी आपके जैसे जिधर दौड़ लगती लगा ले हम भी उसके साथ हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी करें हम आपको करके दिखाएँगे जो हुआ हमसे अब करें। ओके अल्लाह हाफिज़।